करगिल के युद्ध में यह पहले पलटवार, पहली जीत और चोटी पर लहराते पहले तिरंगे की कहानी है। असली होने के बावजूद यह कहानी पूरी फिल्मी है, जहां हीरो को एक नहीं, दो नहीं, 18 गोलियां लगती हैं, वो फिर भी जंग में डटा रहता है और तिरंगा लहराकर जिंदा लौटता है। यह कहानी टू राजपुताना राइफल्स के उन सभी वीरों को भी समर्पित है जो तोलोलिंग के असंभव मिशन के लिए निकले थे। और यह कहानी सुनाएंगे तोलोलिंग के महावीर दिगेंद्र सिंह कोबरा, जो मौत के मुंह से वापस लौटे 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारकर। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रग रूटी सरदार, अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो सुन रग रूटी सरदार, अरे पूरी गति हो रही सूरों की, इज्जत है कायर कूरों की, करे परोपकार से प्यार, मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रग रूटी सरदार। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। इस बॉडी में जो डीएनए है वो एक आजाद हिंद सैनिक की पुत्री का डीएनए है। अच्छा। और एक आजाद हिंद सैनिक का डीएनए है। मेरे नाना जी आजाद हिंद में शहीद हो चुके थे। 1948 की लड़ाई में मेरे पापा के 5 गोलियां लगी थी पीर बड़े सिंह की पहाड़ी पर। हमारे पापा जी यही कहते थे, बेटा इस धरती का नाम वीर भोगा वो सुंदरा है। तो सत्य की जीत होती है हमेशा बेटा, और वीरों की जीत होती है। नाना स्वतंत्रता सेनानी, पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा। 47-48 के युद्ध में 11 गोलियां खाने के बाद भी हार नहीं मानी थी। यही संस्कार अपने बेटे को दिए और सेना में भर्ती होने को प्रेरित किया। जितना समय दिगेंद्र ने भारतीय सेना में बिताया, उतने ही किस्से उनके नाम के साथ जुड़ते चले गए। तो ये कोबरा क्यों कहते हैं आपको, ये नाम कैसे कमाया? पवन ऑपरेशन श्रीलंका में शुरू होगा तो हमारी बटालियन के 36 आदमियों को वहाँ बुलाया गया था और उसमें हमारी प्लाटून को नियुक्त किया गया। अच्छा। तो वहाँ हमें 15-20 दिन या महीना दो महीना हो चुके थे, तो वहाँ जनरल साहब की गाड़ी में ऐसे जीप में चलते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे पुड़िया थी और उसके नीचे से वो पानी बहता था, और उस पुड़िया को हमने ऐसे जनरल साहब की गाड़ी थी यहाँ से क्रॉस होती है और हमारी ओपन जीप थी, उसमें मैं इस साइड में ऐसे बैठा हुआ था, इस साइड मेरा दूसरा साथी था, दो सामने थे, तो वो मेरी नजर मतलब ऐसे थी। तो वो LTT ने ऐसे ग्रेनेड निकाला रहा, ऐसे फेंकना चाह जनरल साहब की गाड़ी में, तो जनरल साहब की तो स्पीड से निकल गई और वो हमारी गाड़ी आ गई और मेरी नजर उस पर पड़ी। वो निकला, निकलते ही मैंने उसको कैच कराया और उसी उग्रवादी को ठोक दिया वापिस, उसका यहाँ लग गया और लगते वो बड़ा आमदे फटिया और मैं गाड़ी में लेट गया। अच्छा। और लेटते वो बड़ा आमदे जैसे ही फटिया और वो उग्रवादी तो खत्म, धुआं दो रहा, हमने गाड़ी बजाई आगे चलेगी। तो जनरल साहब 5 किलोमीटर पर गए तो वहां रोका, तो उन्होंने पूछा, बोले वो उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ही ठोक दिया, वो जवान कौन सा था? बोले सर अपना ये राइफल मैन दिगेंद्र था। बोले दिगेंद्र नहीं है तो कोबरा है। उस दिन से मुझे भारतीय फौज पूरी कोबरा कहने लगी। बहादुरी के ऐसे ही झंडे बुलंद करते हुए दिगेंद्र सिंह को भारतीय सेना में 13 साल हो चुके थे जब 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ा। दिगेंद्र की यूनिट टू राजपुताना राइफल्स उस समय कुपवाड़ा में थी जब उन्हें कारगिल पहुंचने का आदेश दिया गया। तोलोलिंग पे नुकसान पे नुकसान हो रहा था, लेकिन कोई उसको तिरंगा लहरा नहीं रहा था वहां। जी जी जी, जिस तोलोलिंग का जिक्र करते हैं वो टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार था। जो हमारा सौभाग्य, हमारी बटालियन टू राजदेव का सौभाग्य था कि उस पे, उससे पहले उस पे 3 बटालियन ने हमला किया था। एक बटालियन के 16 सैनिक
AK-18 और AK-22 शहीद हुए थे और एक बटालियन की तो डेड बॉडी भी 14 दिन बाद बैठाई थी, लेकिन वहां कैजुअल्टी पे कैजुअल्टी हो रही थी, कोई काम नहीं। 31 मई को हमारी यूनिट को दिया टास्क वहां तोलोलिंग पे हमारे सीओ साहब थे कर्नल MB रविंद्रनाथ, तो वो बोला कि आपने 36 घंटे का टाइम मिला कारगिल जाने के लिए, तो हम वहां कुपवाड़ा से 36 का 24 घंटे में पहुंच गए द्रौपदी कुंड नाम की जगह है, वहां पर हमारी बटालियन को बोलो क्लाइमेट शूट करो फटाफट पड़ा पहाड़ियों में जाकर के हम दौड़ दौड़ के पहाड़ियों जाते थे सांस, क्योंकि अल्टीट्यूड में पहले गए थे लेकिन अभी नए ताजा गए तो क्लाइमेट शूट तो करना ही पड़ता है। आपकी उम्र उस समय कितनी थी? मैं उस टाइम में बिल्कुल जवान था, 30 साल का। अच्छा, यानी कि जवानी की असली जवानी 30 साल ही होती है। हाँ। तो उस टाइम 30 साल का था। 30 साल का। हाँ। द्रास में जब गड़बड़ी की पहली आशंका नजर आई थी तब 18वीं ग्रेनेडियर्स को घाटी से द्रास मूव कर दिया गया था। तब आकलन ये था कि चोटी पर 8-10 घुसपैठिए हैं बस। सैनिकों से कहा गया ऊपर जाओ, गर्दन पकड़ के सबको नीचे ले आओ। नागा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स 3 रेजिमेंट के सैनिक ने 2 ओर से तोलोलिंग पर जाने का प्रयास किया पर बढ़त हासिल नहीं कर पाए। 17 मई को भारतीय वायुसेना ने तब अपना पहला टोही विमान निकाला। जो तस्वीरें सामने आई, स्थिति एकदम साफ हो गई और 26 मई को भारत ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। पर तोलोलिंग की लड़ाई भीषण होती जा रही थी, यहां 1 महीने बाद भी कामयाबी नहीं मिली थी। पर ग्रेनेडियर्स के अनुभव को समझकर अब राजपूताना राइफल्स अपनी योजना बना रहे थे। शिवसान पूछा, बोलो बोलो भाई, सभी कमांडर बताओ अपनी अपनी राय बताओ। हम सब ने बोला सर ऐसे है माइनफील्ड को उठाया जाए, कोई कुछ कहे कुछ, अपनी अपनी राय सभी ने दी और सभी कमांडर तगड़े थे, तो राय थी वो सभी। फिर मेरे पूछा, बोले हाँ बेटा दिगेंद्र कोबरा बता तू। मुगो सर मैं वो तोलोलिंग के पीछे की तरफ गया था और वहाँ ऐसे पत्थर है, वहाँ पत्थरों के साथ साथ में ऐसे ऐसे इस प्रकार से मैं गया था पीछे, और वहां से तकरीबन 80-90 या 100 मीटर या 110 मीटर होगी वहां, मतलब ऐसे खड़ी है वो, थोड़ी सी वहां रस्सा बांध दिया जाए पीछे से तो दुश्मन का बिल्कुल नजदीक पहुंच सकते हैं अपने। बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मुगो सर मैं माउंटिंग वेयर फेयर कोर्स है मेरा, कमांडो है, PT है, कराटे ब्लैक बेल्ट हूं। बोले ओ रस्सा बांधेगा। मुगो सब बांध हुआ, दरबार हुआ सुबह, तो हम गए वहां पर, तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, तो उस जगह बैठा तो जब मलिक साहब ने वो सैन मॉडल बनाया तोलोलिंग का, भाई ये तोलोलिंग पहाड़ी है और यहाँ हमारी भारतीय सेना ने बहुत भयंकर कैजुअल्टी दे दी है लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब बताओ किसी भी कमांडर को कोई शक, कोई पूछना चाहता है, कोई राय, कोई बताओ मुझे। तो मैं वहां खड़ा, मैं सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा। मुगो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? मुगो तोलोलिंग इस प्रकार से है फौज में, मुगो साहब हम मरने के लिए नहीं आए। बोले तो? मुगो मारने के लिए है सर, शहीद मेरे नॉलेज में मरना बहादुरी नहीं है सर, मारना बहादुरी है। मेरे बाप ये कहता, बोले मार के जंग जीती जाती है बेटा, मर के नहीं जीती जाती। एक सिपाही के ऐसे जज्बे ने जनरल मलिक का दिल जीत लिया। दिगेंद्र जैसे अनुभवी और बहादुर सिपाही के नाम भर से पूरी पलटन में हौसला भर जाता था और उनकी खासियत थी आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना। जो पहली रेकी पार्टी होती थी जी और जी। जो रस्सी सही से बांधता, क्योंकि उसमें रोप एक बार बंद गया उसके बाद उस रास्ते पर चलना है सबको जी जी, तो आप 80% काम कर देते थे। तो ये जो करगिल वॉर में किसी भी बैटल में किसी भी लड़ाई में जीत का श्रेय जाता है, ये सब उस पहले सैनिक को जाता है जो वो रोप बांध कर आता है ऊपर तक। पहले तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर ये लैंड में चल रहे हैं, MRD परेड में चले, तो पहला सिपाही का तो कैमरा तो उसी पर जाएगा। हाँ। भाई वो पहला तो हाथ वही चलाओगे ना। हाँ। या कमांड देगा तो बोले परेड सावधान सामने से तेज चाल, तो पहला ही बंदा कदम मारेगा पहला, तो पहल तो किसी को तो करनी पड़ेगी। तो पहल आपने कर दी थी जी। रात के सन्नाटे में या तो बर्फ से कपकपाहट थी या फिर सन्नाटे को चीरते धमाकों की थरथराहट। कील ठोकते, रस्सियां बांधते सैनिक आगे बढ़ रहे थे। वहां तो पता ही नहीं कितने मोर्चे हैं और उस टाइम पे हमने बिफोर्स गन का डायरेक्ट फायर किया।
एमएलसी साहब को बोला मगो सर डायरेक्ट फायर चाहिए तो लोन पर, बोले क्यों डायरेक्ट फायर का फायदा, मगो इनडायरेक्ट फायर ऐसे पड़ता है अगर वो मेरे पर पड़ गया तो छोलता ही ले जाएगा, अगर इनडायरेक्ट फायर यहाँ से पीछे से आओगा और यहाँ जाएगा तो पाकिस्तान में फटेगा और यहाँ टकराओगा तो यही फट जाएगा, मेरा तो नुकसान नहीं होगा ना, भरे बोले शाबाश, तो वो सारी गन उसके ऊपर इस प्रकार से डायरेक्ट फायरिंग डायरेक्ट फायर शुरू कर दिया और जब तक मैं वो रस्सा बांधा जब तक वो डायरेक्ट फायर होता गया, फिर मैं 14 घंटे में रस्सा बांध दिया, मेरे सीओ साहब को बता दिया मैंने, मगो साहब मन ने अपना काम कर दिया, बोले तू चीफ से बात करे एक बार, चीफ साहब को बता बहुत खुश होंगे, तो मंगो साहब मैं बताऊं क्या, हाँ बोले तू बता यार क्या दिक्कत है, मगा मंगो साहब जय हिंद, बोले हाँ बेटा दिगंदर बता कैसी पोजिशन है, मैं मंगो साहब उसके ऊपर मैंने दूरबीन 14 घंटे बांधा था मैंने उस टाइम पे ठोकता ठोकता, तो वो गन ऐसे लग रही कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई पत्थरों का संगठ ऐसे मोर्चे मोर्चे, एक मोर्चा यहाँ एक वहां और एक वहां एक वहां, इस प्रकार से वो मोर्चे लगे हुए थे। बारह जून की रात तोलुलिंग पर फाइनल चढ़ाई की योजना थी, तोलुलिंग को मुक्त कराने के लिए मेजर विवेक गुप्ता की कमांड में टीम तैयार थी, नायक दिगेंद्र कुमार सिंह, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सूबेदार सुरेंद्र सिंह राठौर, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंह, लांस नायक बच्चू सिंह, सीएमएच जसवीर सिंह और हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया पर जिम्मेदारी थी। तोलुलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान ने 11 बंकर बना रखे थे और तोलुलिंग फतेह के लिए इन बंकरों को उड़ाना जरूरी था। बारह जून की रात को मैंने 18 हैंड ग्रेनेड और 350 गोली AK-47 की और एक AK-47 एक पिस्टल एक कमांडो डैगर जो इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड में भिगोया होता है वो मैंने चक्कू लिया था, मगो साहब पहले बंकर के अंदर मैं बर्बाद कर दूंगा, तो सुल्तान भंवरलाल बोलता तो साहब जी दूसरा भंवरलाल के नाम लिख दू, बसियत बोलता है हम मेरठ के शेर है, सेम टू सेम आवाज बता रही आज उनकी, बोले हम मेरठ के शेर है पाड़ के दिखा देंगे हम हर युद्ध में जीत हासिल करिए, बोले तीसरा मैं, मगो शाबाश भाई, बोलो वो सुमेर सिंह राठौड़ बोलता है हाँ भाई राजस्थान के शेर है हम, चौथा हम भी उठाएंगे, बोलो फिर गुप्ता साहब बोले बोले अच्छा तुम ही हो तो मैं किस लिए आया हूँ, बोले पांचवा मैं, कमी कमांडर साहब आप बीच में ठीक है, मैं बोले आप बीच में ठीक है, तो बोले ओके ऐसे सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक सुरेंद्र, नायक वो लेस नायक बच्चन और चम्मन और वो सिपाही हम सब गए, वो 10 बंकर है ना, जब तक तो हम उसके सांप की तरह रेंगते हुए उसके पास जाएंगे और जा करके उस वक्त ग्रेनेड लूबिंग करेंगे ताकि हमारी कैजुअल्टी कम से कम हो और जीत हमारे को निश्चित हो। और ये रात के समय आप लोग ये रात को समय 12 जून की वो घनघोर रात जो खुद का हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा। रात के 8:30 बजे जब अंधेरे की चादर ओढ़कर टुकड़ी उस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी, हड्डियों को गलाती बर्फीली हवाएं चल रही थी और इस चुभती सर्दी में रस्सी के सहारे जवान अपने मिशन की ओर बढ़ रहे थे। हम जैसे सांप की तरह रेंगते हुए गए अंदर, जैसे गए तो मेरा बैंकर सामने, ऐसे ही बैंकर आया मेरे नजदीक, तो उसमें चारों तरफ तो बर्फ पड़ी हुई थी और वो बीच में काला काला मुझे ऐसे दिखाई दिया, हमने सोचा है कहीं काला पत्थर है इसको पकड़ ले, तो उसमें जैसे ही हाथ डाला तो दुश्मन की बैरल आ गई मेरा हाथ, बैरल और डालते ही मैंने मगर दिगंदर धोखा क्यों फायर तो कर नहीं लिया था वो, और मैंने जैसे ही अपनी तरफ ऐसे फायर उसने खींचा और वो कहीं खड़ा ही था बैंकर के अंदर दुश्मन और उसने डर दे फायर किया तो पहले गोली यहाँ लगी मेरे ये अंगूठे में, ये अंगूठे में, ये अंगूठा उठ गया और उसके बाद में ये गोली लगी तो मेरे को पता ही नहीं चला ये इस जगह पर, ये देखो 3 गोली यहाँ लगी, ये 1, 2, 3 गोली ये लगी और 2 गोली लगी AK-47 में यहाँ से, वो भी मेरे हाथ से छूट गई। अरे मेरे को भगवान बहुत बड़ा धोखा, मैं सोचा तो धोखा होगा अपने साथ में। तो गोली लगती है तो उस समय कैसा महसूस हो रहा है? उस समय कुछ भी नहीं पता चलता, रियलिटी पूछे तो मतलब हेड शूट और चेस्ट के बीच में लगता है तो आदमी डेथ हो जाता है, वो बोलता नहीं,
बाकी कोई भी हिस्से में गोली लगती है तो वो इस प्रकार से लगती है ऐसे, हाँ। जैसे कपड़े का झटका सा नहीं लगता, हाँ। ऐसे होता है, गोली का लगते है तो दर्द नहीं होता, लगते ही नहीं होता है, बाद में, बाद में तो भयंकर दर्द होता है। तो वो तो मतलब एक फौजी अहमद तो कमांडो था, हाँ। अगर मेरा तो कोई ऐसे हाथ काटे तो भी मैं तो रोऊंगा नहीं। पर आपको ये दाहिने कंधे में 3 गोली लग चुकी, हाँ, ये गोली लगी, लेकिन ये अंदर ज्यादा नहीं गई, हाँ। ये साइड में मेरी दो आंगल खाल छोलती गई और हाथ भी नहीं टूटा इसमें, अगले हाथ में जाकर के ऐसे फिट होगी, हाँ। लेकिन मेरा हाथ बरकरार काम कर रहे, मतलब भगवान चाहते थे और रखा था कि दिगेंदर साहब अभी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले, मालिक है वो तो सबका, वही है। और आपका अंगूठा ये उड़ चुका था, उड़ गया। दुश्मन के इतने करीब गोलियों से छलनी और हाथ से मशीन गन भी छूट चुकी थी। दिगेंद्र को जल्दी कोई ऐसी योजना सोचनी थी कि मिशन फेल न होने पाए। अब आगे क्या, अब आपको लग गई 3 गोली, हाँ, चौथी गोली, हाँ, अंगूठे पर, हाँ। तो अब आपने क्या किया? अभी मैंने एंड टू एंड अपने पिट्ठू में से ग्रेनेड निकाला एक और दो, और वो जो बैंकर थे झांकी थी ना उसमें गट ठोका, ठोकते ही ना मिल गया, प्राण दे फटा, फटते अंदर से आवाज आया, अल्लाह अकबर, काफर का अटैक, आ काफर, हिंदुस्तानी काफरों का अटैक है। पहला बंकर नष्ट हो गया, दिगेंद्र ने अपना वादा निभाया था, लेकिन अब बाकी की कार्रवाई में तेजी की जरूरत थी क्योंकि दुश्मन अलर्ट हो चुका था। अभी वो तो याली बोले, हमारे बोले बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले बजरंगबली की जय, और डट डट डट। चोटी पर पहुंचने तक टुकड़ी को एक भी कैजुअल्टी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त जब दिगेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका कलेजा तार तार हो गया। और मैं जैसे बात बात आई जय बोलता ऊपर गया, और जाने के बाद जय बोली जोर जोर से, उस टाइम में मेरे साथी किसी ने जय नहीं बोली, जब मेरी गोडी गड़ गया, राम का दोस्त मेरे दोस्त गए, राम का बहुत बुरी करी भगवान, एक भी साथी जय नहीं बोली। कमांडिंग ऑफिसर मेजर विवेक गुप्ता समेत सभी साथियों को दुश्मन की गोलियां लग चुकी थी। कुछ बंकर नष्ट हुए थे पर मिशन पूरा नहीं हुआ था। अब मैं वहां से क्या करा, फर्स्ट एड किया और मेरे साथियों ने 30 आदमी को मार दिया, कोई 10 मिनट में, कोई घंटे में, कोई आधे घंटे में, सब के सब मेरे 9 साथी सुबह 4 बजे शहीद हुआ। पूरी लड़ाई अंधेरे में ही चल रही, अंधेरे में चली, तो सुबह 4 बजे तक मैं कभी इस साइड में गन के पास जाऊंगा ऐसे रेंगता, और मैं सोचा दिगेंद्र अगर ढीला पड़ेगा तो तू खत्म हो जाएगा, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए ही दुश्मनों को मार रहा था, मतलब क्या है कि रुकते ही तो जाम हो जाता, तो मैंने अपना धीरे धीरे ऐसे गया और वो बैंक ऐसे फायर करी, गन उसके नीचे जाऊं, ग्रेनेड निकालूं और धीरे ऐसे टटोल गिरे, धीरे अंदर छोड़ दूर, वहां पत्थर का सारे गड़ाम गड़ाम, तो कभी पत्थर सिर पर है, कभी मुंदराम है, कभी ऐसे पड़ते रहे, और फिर आराम से पत्थरों से निकलू, और फिर वो जो देखू की साइड में उतनी देर वो मेजर अनवर खान मुझे गाली गाला, आए हिंदुस्तानी कुत्ते कोबरा, क्योंकि वायरलेस सेट पर मुझे वो कोबरा जूता बोल देते ना, आज तेरे 16 टूक करूंगा, मैंने पठानी का दूध पिया है, मेरा नाम मेजर अनवर खान है, वो मुझे गोली कॉर्डर बहुत बुरी बुरी, वो जो मैं आपको बता रही थी, तो वो बामो को बेटा कोई ना मुगो, तू कुत्ता गैर चाहे कुछ भी कहता रहे, मैं अपनी उनकी बात सुनता रहा, धीरे धीरे उसकी पोजीशन देखता रहा, भाई कहां से, मतलब वो गुस्सा दिला रहा था कि बाहर निकले और हम काम करें, वो ज्यादा गुस्सा दिला, लेकिन मैं तो कमांडो था, और कमांडो का तो नाम मिल गया, ऊपर आकर कोई ऐसे घूस भी दे ना, कोई मतलब चक्कू भी घूस दे तो भी वो डेड बॉडी बन के रह जाएगा, मौका लगते ही फोड़ देगा। सामने से पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कर रहा मेजर अनवर खान बार बार चुनौती दे रहा था, दिगेंद्र तेजी से सोच रहे थे कि उनका अगला दांव क्या होना चाहिए। जैसे जैसे सुबह 4 बजे तक मैं 11 बैंकर उड़ा दिया, मेरे एक साथी लहसना एक बच्चन, वो का सिर में गोली लगी हुई, और वो बोलता कोबरा एलएमजी ले ले तू, तो उसको लास्ट उसने मुझे एलएमजी दी, और उसके 750 गोली थी, वो अन्वेषण लिया, अच्छा, और वो लेकर के बर्फ में कटी हुई सीढ़ियों को जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, और वो मेजर अनवर खान जो अपने जो सामने सीओ साहब की पार्टी थी ना, हाँ। जो 100 मीटर पर उस पर दबा दब फायर कर रहा था,
वो फायर कर रहा था उधर, तो वो फायर कर रहा था तो उधर मैं उसका पीछा था। डामो मेजर अनवर खान समाज बहुत देर हो गाली काटते हुए, हिंदुस्तान का सिपाही गाली नहीं देता, गोली देता है, मुझे समाज। पाकिस्तानी मेजर अनवर खान दिगेंद्र सिंह के सामने आ चुका था और उन पर बंदूक तान दी थी और मैंने उसके ऊपर गोली ठोकी। उसमें क्या हुआ, मेरी LMG में वो एक ही गोली थी, वो मैगजीन में वो उसने फायर कर ली थी लजदाई बच्चन ने, और उसमें एक ही गोली थी मैगजीन में। अरे मुझे धोखा दी के अंदर, मैंने वो फायर करा तो एक ही गोली फायर हुई। अब वह गोली फायर हुई वह होश का उसका पिस्टल में लगी या हाथ में लगी वो मुझे पता नहीं, इतना मुझे पता वो पता नहीं भाई। अब वह छूट गई, उसने ग्रेनेड मारे ऐसे मेरी तरफ, तो ग्रेनेड को तो पता नहीं कैसे गया, तो वो नीचे फटा तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो पत्थरों के टुकड़े वो मेरे लगे। अब युद्ध भूमि में लड़ रहा हर एक सैनिक शौर्य का प्रतीक होता है। टू राजरिफ के हर योद्धा का इस विजय में पूरा पूरा योगदान था। घायल होने के बावजूद दिगेंद्र को एहसास था कि चोटी पर तिरंगा लहराना है तो अनवर खान को मार गिराना ही होगा। अब वो सीधा मेरे पर डाई मारी, मैंने वो डाई उसका हाथ इधर और मैं LMG छोड़ी रही उसका, ये पकड़े यहाँ से सीधा ऐसा कैसा टेटुआ, वो ये पकड़ दिया, आ हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। मगर तू तो बोला मैं पठाने का दूध पिया छुटवा किस लिए, दबा ले मगर छोड़ दे टेटिया मुझे, तो उसका टेटुआ दबाया, लोग दमपटी होते और नीचे काफर मुझे छोड़ दे। मगर क्यों बरात मारा छोड़ दू तू, रिश्तेदारी मारा छोड़ दू तुम। अब वो ऐसे, लेकिन वो क्या भारी पर कम शरीर था मेरे से, अच्छा तो वो छुटागा, छुटाते ही जैसे ही, और उसने जो गोली मारी वहां पर जो मेरे गोली मारी वो यहाँ लगी जो बेल्ट की लाइन कमर, हाँ कमर नहीं, जैसे ये बेल्ट है तो बेल्ट के यहाँ से नहीं है, यहाँ से निकल गई वो, जैसे कोई सी पेट का ऐसे छोतरा हड्डी का थोड़ा सा छोल लेगी, ऐसे टूटी टाटी कुछ नहीं, वो ऐसे ही मतलब छोल के लेगी बेल्ट की लाइन में, यहाँ लगी यहाँ से ऐसे निकली कहने मतलब इस साइड। तो अब वो गद्दम पट्टी हुआ हमें, अब वो पाकिस्तान की तरफ जैसे ही बाजना शुरू किया मैं खड़े आया तो ये टांग मेरी लड़खड़ा गई ऐसे बुरी तरह लड़खड़ाई, मैं मगर धोखा, मैं एक टांग दोनों हाथ टेके और टांग टेकी उस पर डाई मारी सीधी ऐसे बंदर की तरह डाई मारी ऐसे, और डाई मारी उसका कड़ पपड़ा पड़ते वो नीचे, नीचे पड़ते वो ऐसे ढाल में गया नीचे जाते, मैंने वो कमांडो डाइगर काटा फिर, अच्छा वो कमांडो डाइगर काटा काटते मतलब उसका सिर पकड़ा सिर गच बटाया बोले आ, फिर मेरे दिमाग माई मुंडी काट ही ले मुझे। सवेरा हो चुका था, 13 जून 1999 को सुबह के करीब 5 बजे होंगे, जब तोलोलिंग पर तिरंगा लहराने लगा। नायक दिगेंद्र सिंह तिरंगे को देख देख फूले नहीं समा रहे थे। कितने पाकिस्तानी साहब मारे थे आपने उस दिन? मुझे एक का भी नहीं पता मैंने कितने मारे, लेकिन मैं जैसे ही गया वहाँ श्रीनगर हॉस्पिटल में तो देश का प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे 3 थप्पी मार के बोलता वारे मेरे कलयुग के कर्णबली, तो 48 मारे ग्रेनेड से जो मरे वो 48 थे और मेरे साथी उन गोलियों से मारे वो अलग थे, तकरीबन 70-80 आदमी उस तोलोलिंग पर मारे, पूरी कंपनी खत्म करी थी वहां पर, पाकिस्तान की 5 North Light & Fitting की एक कंपनी थी उसको पूरी को खत्म किया गया। आज भी दिगेंद्र के शरीर में उन गोलियों के निशान उनकी वीरता के सबूत के तौर पर मौजूद हैं। पलट कर देखते हैं तो ये मिशन असंभव था, पर देश के लिए यही होता है जवानों का पूर्ण समर्पण, अपनी जवानी अपना जीवन सब देश के नाम कुर्बान। पहाड़ी युद्ध में दो ही चीजें अहम होती हैं, आड़ और असलहा। 80-90 डिग्री की सीधी चढ़ाई वाले चट्टानों पर सैनिकों को आड़ थी केवल प्रार्थना की, और कई कई दिनों तक जंग के मैदान में बिना सपोर्ट फंसे रहने के कारण असलहा था, बंदूक का नेजा, अपने हाथ और हिम्मत। दुश्मन इतनी मजबूत स्थिति में था कि वो एडवांस शुरू होते ही रोक देता था। एक बार तो ग्रेनेडियर्स की 2 पलटन 16 दिन तक एक रिज पर फंसी रही। तोलोलिंग पर नियंत्रण मुमकिन हुआ था अनगिनत बलिदानों से।
किसी भी मोर्चे पर कूच के लिए सैनिकों को प्रतीक्षा करनी होती थी मौसम के खराब होने की, यानी ऐसा वक्त जब बर्फीला तूफान हो, हवाओं की आवाज आर्टिलरी शेलिंग की आवाज से टक्कर ले सके। ऐसा वक्त जब तापमान -10-20 डिग्री तक गोते लगाए ताकि दुश्मन बंकर में छिपने को मजबूर हो जाए और आगे बढ़ते सैनिकों को देख न पाए, पर ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं और सैनिकों में मुहिम को जल्द खत्म करने का जज्बा भी तो रहता है। ऐसे ही एक दिन आवेश और आवेग में ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी की अगुवाई करते हुए मेजर अधिकारी तेजी से आगे बढ़े और दुश्मन के 15 मीटर के दायरे में पहुंच गए। दुश्मन ने अपनी बंदूकों का पूरा जोर उस टुकड़ी पर लगा दिया जैसे कोई दैत्य निरंतर आग उगल रहा हो। असलहा खत्म होने पर भारतीय सैनिक पाकिस्तानियों से गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भी डटे। मेजर अधिकारी समेत 2 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। गोलीबारी इतनी भीषण थी कि सैनिक अपने शहीद साथियों के शव भी नहीं उठा पा रहे थे। कैप्टन सचिन निंबालकर उस समय घातक टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे। 15,000 फीट पर एक बड़े चट्टान के पीछे बस पैर रखने की जगह भर में सैनिक 3 दिन तक फंसे रहे थे। तब पाकिस्तानियों ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकलने के लिए उकसाने की कोशिश की और ताना मारते हुए कहा, ऊपर आ जाइए साहब, हमारे पास हथियार नहीं है, आकर अपने मेजर साहब की बॉडी ले जाइए। तब कैप्टन निंबालकर ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी बॉडी भी ले जाने आया हूँ। उस रोज ऐसा नहीं हो पाया। वीर गति को प्राप्त हमारे सैनिकों के शरीर वहीं रहे, लेकिन जब पूरी स्थिति को आंक कर भारत ने अंतिम आक्रमण किया था तब पाकिस्तानियों की लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। हम अपने शहीद पराक्रमियों को भी वापस लाए और पाकिस्तानियों की लाशों को भी दफन किया। तोलोलिंग ठीक मुख्य सड़क पर था, इसीलिए इस चोटी पर पाकिस्तानी नियंत्रण ऐसा था जैसे वो हमारा गला घोट रहा। 510 किलोमीटर लंबे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे का एक अहम हिस्सा 32 दिन की कोशिशों के बाद मुक्त हो चुका था। हफ्तों से जूझ रही भारतीय सेना को उसकी पहली कामयाबी मिली थी तोलोलिंग में। कहने को यह केवल एक लड़ाई की जीत थी, पर करगिल में हर मोर्चे पर लड़ रहे जवानों को हौसला दे रही थी। तोलोलिंग में तो सभी जवानों का मनोबल 7वें आसमान पर था। तोलोलिंग में जीत मिल गई थी, चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था, पर ये बस लड़ाई की शुरुआत थी। दुश्मन ने मरते मरते रीइंफोर्समेंट्स की गुहार लगा दी, यानी तोलोलिंग पर काउंटर अटैक लाजमी था। बाद में काउंटर अटैक में मेरे साथ में बहुत गोली लगी, वो 9 तो शहीद हो ही गए, और उसके बाद में जो हमारे साथ ही सतवीर चीता था, प्रदीप था दिल्ली का, जो मतलब उसका भी गोली लगी। कई आदमियों को तोलोलिंग पर, हमारी चार्ली कंपनी के, मेरी कंपनी के बहुत आदमियों के गोली लगी जो आज जिंदा भी है। तोलोलिंग पर नियंत्रण मजबूत रखने की आवश्यकता थी और वो भी तेज गति से। 12 जून को तोलोलिंग जीतने के बाद 13 जून की सुबह तक राजपुताना राइफल्स के जवानों ने तोलोलिंग से करीब 100 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित बर्बाद बंकर को हासिल कर लिया था। अब तक हमारी बोफोर्स तोपे पहुंच चुकी थी और बोफोर्स से तोलोलिंग को कमजोर करने के लिए बहुत जरूरी था कि वहां पे हेवी सेलिंग कराई जाए। तो क्रेस्ट के अंदर आर्टिलरी का इफेक्ट फायर डालने के लिए वो ही एक ऐसी जगह थी, वो एक बंकर था जहां पे इफेक्टिव फायर आरटी के गोले वहां ज्यादा गिर रहे थे, जिसकी वजह से वहां सारा बर्बाद हो गया। इसीलिए हमारी यूनिट ने ही उसका नाम बर्बाद बंकर रखा और उसी का रेफरेंस देकर के आगे की लड़ाई लड़ी गई।
ग्रेनेडियर्स पर जिम्मा था हम पर कब्जा करने का। इस बेहद महत्वपूर्ण फीचर पर दुश्मन मजबूती से काबिज था। एक एक कदम आगे बढ़ाना ऐसा था जैसे शोलों के दरिया से गुजर कर जाना। पाकिस्तान ने तो सारे बंकर बना रखे थे, उसको संगर की तरह पत्थरों से बना रखे थे। दे वर स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड पोजीशंस। तभी तो शुरू शुरू में कितनी हमें परेशानी हुई थी। फर्स्ट अबाउट 2-3 वीक्स वी हैड ह्यूज कैजुअल्टीज। जवानों को गोलियां लगती, वो गिरते फिर भी आगे बढ़ते। ये लड़ाई सिर्फ एक चोटी की नहीं थी बल्कि 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की थी। उम्मीदें मध्यम थी लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों का शौर्य बेमिसाल। 14 जून तक हम पर हिंदुस्तानी नियंत्रण था। This is a classic example in the military history across the world, जब infantry ने इस किस्म की heights को कब्जा किया है। आसान नहीं है ये, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए, इसके लिए बड़ा जोश चाहिए। उसी वजह से ये हो सकता है, नहीं तो वरना नहीं हो सकता ये। तोलोलिंग से खदेड़े जाने से दुश्मन को तगड़ा झटका लगा था। 3 दिन में आसपास की जो अहम चोटियां थी वो वापस हिंदुस्तानी नियंत्रण में आ चुकी थी। अब 2 राजपूताना राइफल्स पर जिम्मा था इस नियंत्रण को आगे सशक्त करना। इसके लिए 3 पिंपल्स कॉम्प्लेक्स में आक्रमण की योजना थी। तारीख चुनी गई 28 जून 1999। 28 जून की रात थी जब 2 राजरिफ की टुकड़ी ने रिज पर चढ़ाई शुरू की। उस रोज चांदनी रात थी, यानी रात होने के बावजूद भरपूर रोशनी, और दुश्मन उन्हें सीधा देख सकता था। निशाना साध कर गोलियां चला रहा था। इस टुकड़ी में शामिल थे 23 साल के लेफ्टिनेंट विजयन थापर। आखिर में वो सिर्फ 15 मीटर दूर थे पाकिस्तानियों से, और उनके साथ क्योंकि इतनी नैरो हो गई थी रिज लाइन नॉल के आगे कि उसके ऊपर 2 या 3 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते थे, तो 2 ही आदमी थे आगे बिल्कुल। एक विजन था, एक उनका नायक तिलक सिंह, दोनों थे, और एक पत्थर की आड़ से वो पाकिस्तानियों को एंगेज कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए कई जवानों को गोलियां लग चुकी थी पर कोई विकल्प नहीं था। जब अंधाधुंध गोलियां बरसती तब सैनिक खतरनाक खाई की आड़ लेते, और जब दुश्मन बंदूकों को रिलोड करने के लिए रुकता तब जल्दी से जितना चढ़ सकते थे चढ़ जाते।